नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बज मीडिया में। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन के दौरे में भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में मजबूती की काफी बात होती है, खास तौर पर आज जब भारत की तरक्की की तूती बोल रही है। मगर रिश्ते मीठे तब भी थे जब भारत गुलाम था। लंदन के पास महाराजा का कुआं इसी इतिहास का एक गवाह है। लंदन से 60 किलोमीटर दूर चिल्टन पहाड़ियों के पास स्टॉक रॉ नाम के एक छोटे से गांव में एक कुआं है जिसका नाम है महाराजा का कुआं। इस कुएं को बनारस के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह बहादुर ने बनवाया था। महाराजा के कुएं पर एक किताब डिपिंग इनटू द वेल्स लिखने वाली एंजेला स्पेंसर हार्पर कहती हैं कि इस कुएं की कहानी 1857 के सिपाही विद्रोह के समय से शुरू होती है। उस समय अंग्रेजों की सेना में एक अफसर थे एडवर्ड एंडरसन रीड और गदर को कुचलने में साथ दे रहे थे काशी के नरेश। एडवर्ड और महाराजा साथ लड़े और दोनों की दोस्ती हो गई। एडवर्ड बाद में सरहदी सूबे के गवर्नर बने और वहाँ उन्होंने एक बार दो भाइयों की जमीन की लड़ाई सुलझाने के लिए उनकी जमीन खरीद, पैसा बांटा और उस जमीन पर कुआं खुदवा दिया क्योंकि वहाँ पानी की बेहद कमी थी। एंजेला बताती हैं कि काशी नरेश ने जब ये सुना तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने कहा, मैं भी ऐसा कुछ करना चाहता हूँ पर यहाँ मुश्किल है, काफी भीड़ है यहाँ, तो मैं तुम्हारे यानी एडवर्ड के गाँव में कुआं खुदवाऊंगा। दरअसल एडवर्ड ने राजा को बताया था कि उसके गांव में पानी की कितनी कमी है और कैसे गर्मियों में बच्चों की रसोई के लिए रखा पानी पी जाने को लेकर पिटाई तक हो जाती है। और फिर महाराजा ने कुएं के लिए सारी राशि दी और एडवर्ड ने इंग्लैंड लौटकर अपने गांव में कुआं खुदवाया जिसका नाम रखा गया महाराजा का कुआं। कुआं 365 फीट गहरा है यानी कुतुब मीनार से भी अधिक, जिसकी ऊंचाई 238 फीट है। कहते हैं कि पानी की बाल्टी खींचकर निकालने में पहले 10 मिनट लग जाया करते थे और ये सारा का सारा कुआं केवल एक आदमी ने खोद डाला था हाथों से। कोई साल सवा साल लगा पूरा कुआं तैयार होने में। काफी गहरा होने के कारण कुएं का पानी बेहद साफ था। पहले पहले कुएं में 15-20 फीट पानी हुआ करता था, अभी वहाँ 50 फीट पानी है। अन्य सुविधाएं सुलभ होने के कारण अब कुएं की जरूरत नहीं रह गई है, पर इसने कोई 70 साल तक गांव के लोगों की प्यास बुझाई। कुएं से पहले वहां लोगों को पोखरों के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। 1886 में एडवर्ड एंडरसन रीड की मृत्यु के बाद से स्टॉक रो गांव का बनारस से संपर्क लगभग समाप्त हो गया। दोबारा संपर्क हुआ 72 साल बाद और वो भी संयोग से। 1958 में ऑक्सफोर्ड से एक पर्यटक बनारस गया और तब महाराजा ने उससे कुएं के बारे में पूछा। ये सुनकर कि कुआं अभी भी है, महाराजा सक्रिय हुए। 1961 में जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ बनारस गईं, तो महाराजा ने उनसे कुएं की 100वीं वर्षगांठ पर कुछ विशेष करने का अनुरोध किया। महारानी अपने साथ गंगा का पानी ले गईं, जिसे कुएं में मिलाया गया। 100वीं वर्षगांठ पर 1964 में महारानी के पति ड्यूक ऑफ एडिनबरा प्रिंस फिलिप हेलीकॉप्टर से गाँव गए और वहाँ उन्होंने कुएं को देखा। इस दिन कुएं से पानी भी निकाला गया जिसे स्मृति के तौर पर गांव में अभी भी सहेज कर बोतल में रखा गया है। अब 2014 में कुएं के 150वीं वर्षगांठ पर कुएं के ट्रस्टी वर्तमान महाराजा से संपर्क करना चाहते हैं। हम उनसे अगले साल कुएं के 150वीं वर्षगांठ के आयोजन के बारे में संपर्क करना चाहते हैं और हमें आशा है कि ये हो पाएगा। ट्रस्ट की सदस्य कैथरीन हेल ने कहा, हम उनसे कुएं की 150वीं वर्षगांठ के आयोजन के बारे में संपर्क करना चाहते हैं और हमें आशा है कि ये हो पाएगा। महाराजा के कुएं के संबंध में बनारस के वर्तमान महाराजा अनंत नारायण सिंह से संपर्क किया गया मगर उन्होंने इस संबंध में कोई रुचि दिखाए बिना केवल इतना कहा कि उनके पूर्वजों ने जो किया अच्छा किया और इस बारे में उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। महाराजा ने ये भी नहीं कहा कि उनके पूर्वजों ने इंग्लैंड के कुएं की याद में बनारस में भी ठीक वैसा ही एक कुआं बनवाया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पास ही नगवा इलाके में ये कुआं महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह बहादुर की पत्नी ने अपने पति की याद में 1891 में बनवाया था। इस कुएं की जानकारी दी महाराजा के निजी सचिव डॉक्टर जय प्रकाश पाठक ने, जिन्होंने बताया कि इस कुएं पर लगी पट्टिका पर इंग्लैंड के कुएं की बात लिखी है। डॉक्टर पाठक ने बताया, इस पट्टिका पर लगे शिलालेख पर लिखा है कि यह कूप महाराज बनारस द्वारा इंग्लैंड में निर्मित कूप जो महाराजा का कूप के नाम से विख्यात है उसी का प्रतिरूप है।
बनारस का कुआं अभी भी लोगों के काम आ रहा है। इंग्लैंड के कुएं से अब पानी नहीं निकलता, पर बदलाव का ये मूक साक्षी अभी भी प्यास बुझा रहा है। दोस्तों, इस कुएं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।